सो शाओमी के विभीषण यानी कि शाओमी में काम करने वाले एम्प्लॉय ने शाओमी 14 अल्ट्रा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। उन्होंने बताया कि शाओमी 14 अल्ट्रा जो है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के एंडिंग में लॉन्च होने वाला है और अब की बार ये फ़ोन ग्लोबल जाएगा और शायद से एशियन कंट्रीज़ में भी जाएगा, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया और इंडिया भी होगा। उन्होंने उसके लुक्स के बारे में कुछ बताया कि इसमें आपको स्टनिंग फ्लैट डिस्प्ले देखने के मिलेगा, जो कि दूर से देखने में हल्का सा कर्व लगेगा बट वो एक्चुअल में फ्लैट होने वाला है। और ये भी बताया कि जो सामने से लुक है उस फ़ोन का सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जैसा होगा। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इसमें आपको सोनी की तरफ से LYT900 वन इंच वाला कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है और जो इसके लेंसेज होंगे वो ऑब्वियसली लाइका की तरफ से आने वाला है। वैसे जो ये LYT900 जो कैमरा सेंसर है ये और कोई नहीं बल्कि नया वर्जन है सोनी IMX989 का। और उन्होंने ये बताया कि जो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो 6.67 इंचेस का होने वाला है। एक AMOLED पैनल होगा, ये OLED पैनल नहीं होगा, AMOLED पैनल होगा। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ 1440x3200 पिक्सल पर इंच का रिजोल्यूशन कैरी करने वाला है। HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी कैरी करेगा और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 देखने के लिए मिलेगा। वैसे रैम के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है कि कौन सा वर्जन यूज़ होगा, बट मुझे लगता है कि LPDDR5 रैम यहाँ पे यूज़ होने वाली है। 12 GB ऑफ रैम देखने के लिए मिलेगी एंड स्टोरेज की बात करी जाए तो UFS 4.0 की स्टोरेज होगी। 256 GB, 512 GB एंड 1 TB वाला ऑप्शन भी मिलेगा। वैसे इंडिया में अगर ये फ़ोन आता है तो यहाँ पे आपको शायद से दो वेरियंट्स देखने के मिलेंगे, 128 GB एंड 256 GB। बात करी जाए रेयर कैमरा की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको 200 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिलेगा, 50MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा एंड 50MP का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलेगा और चौथा लेंस आपको मिलेगा 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस। फ्रंट आपको मिलेगा 32MP का और ये भी बताया उन्होंने कि फ्रंट से 4K तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। वैसे बैटरी के बारे में उन्होंने बताया कि 5000mAh की बैटरी मिलेगी और 120W की चार्जिंग ब्रिक भी मिलेगी और इस फ़ोन में आपको Xiaomi का HyperOS मिलेगा जो कि बेस्ड होगा Android 14 पे। बाकी और कुछ भी इसमें फीचर्स उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वाला आपको अंडर डिस्प्ले फिंगर स्कैनर मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे हाईरिस ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ में, NFC मिलेगा, एयर ब्लास्टर मिलेगा और ऑब्वियसली 5G सपोर्ट तो होगा ही। सो अभी के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको देखने के बाद थोड़े बहुत डाउट्स Xiaomi 14 अल्ट्रा को लेकर क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, फिर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।